पॉजिटिव केस नहीं आया है और कुछ लोग जो कि हमने सेकंड कांटेक्ट थे या फिर प्राइमरी कांटेक्ट सेकेंडरी या प्राइमरी कांटेक्ट जो कि कंफर्म केस थे राजौरी या श्रीनगर के उनको या फिर दूसरे लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी उनको जो है कुछ लोगों को क्वारंटाइन में रखा था और उनमें से जो हमारा 11 लोग थे उनके उनके 14 डेज भी कंप्लीट हो गए थे उसके साथ साथ क्योंकि उनके टेस्ट भी निगेटिव आ चुके थे तो उनको आज यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अभी तक लोगों का कोऑपरेशन मिला है आगे भी इसी टाइप से कोऑपरेशन मिलेगा ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ को कोरोना फ्री रख सकें। बताया जो हमारे जो लोग थे वो प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट या फिर कोई ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे वो लोग थे तो दे मे बी रिलेटेड टू तबलीग दे मे नॉट बी रिलेटेड टू तबलीग सो हम जो है जो सेकेंडरी जो हमारा जो हाई रिस्क पर्सन है उसके हिसाब से ही हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग अगर हमारे जो हमारा पासपोर्ट था उसके बेसिस पे भी जो एनालिसिस किया है तो अगर कोई भी इस टाइप का पर्सन जो रहा था उसके खिलाफ भी वो उसको भी हमने ट्रैक किया है सो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुछ में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वाला कोई पर्सन नहीं है इस टाइप से जो कि ट्रैक नहीं हुआ है। देयर मे बी सम पर्सन जो कि लोकल ट्रैवलर जो है जो कि काफ़ी कुछ लोग अभी भी जो हमारा बीजी और केजी डीकेजी में दोनों तरफ से नाका हमारा लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कई बार पैदल चलकर अंदर आते हैं तो उसमें हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि उनको भी क्वारंटाइन में डाला जा सके। जैसे यहाँ पे भी हमारे कुछ लोग जो कि मंडी के हैं जो कि पैदल चलकर पहुँचे थे उनको यहाँ पे माइंडर में भी क्वारंटाइन में रखा गया।